कांग्रेस द्वारा मोदी सरकार के कार्यों को लेकर फैलाए गए भ्रम को दूर करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के सांसदों, मंत्रियों और बीजेपी नेताओं की बैठक ली। इस दौरान गांधी जयंती को लेकर भी रणनीति बनाई गई। देखिए एक खास रिपोर्ट। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी सांसदों, मंत्रियों और पार्टी नेताओं की बैठक ली। यह बैठक देश भर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ली गई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस बैठक में भाजपा की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, सांसद प्रज्ञा ठाकुर, कई विधायक और दिग्गज नेता शामिल हुए। बता दें कि इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस द्वारा फैलाए जा रहे मोदी सरकार के खिलाफ भ्रम को दूर करने को लेकर पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी है। सूत्रों की माने तो अब जिम्मेदार भाजपा नेता देशव्यापी अभियान चलाकर इस भ्रम को दूर करेंगे और मोदी सरकार के कार्यों का जनता के सामने बखान करेंगे। आपको बता दें कि इस बैठक में 150वीं गांधी जयंती को लेकर भी रणनीति तैयार की गई, जिसके तहत भाजपा विधानसभावार पदयात्रा निकालेगी। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, सांसद बीडी शर्मा भी शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत महत्वपूर्ण विषय पर संबोधन कर रहे थे। 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक गांधी जी के विचारधारा को गांव-गांव तक ले जाते हुए उस विषय पर बात करना, और इसी के लिए आज यहां कार्यक्रम हुआ है। पूरा देश महात्मा गांधी जी को याद करे। मोदी जी के लिए गांधी जी प्रेरणा स्रोत हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश की जनता को पदयात्रा करके, विधायक और सांसद सभी पदयात्रा करके गांधी जी के संदेशों से लोगों को अवगत कराएं, क्योंकि गांधी जी ने जो बातें कही थी वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी की उस समय पर थी। देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी और कार्यकारी अध्यक्ष माननीय नड्डा जी ने आज ली है। खास तौर पर गांधी 150 संकल्प यात्रा जो 2 अक्टूबर से प्रारंभ होकर के 31 अक्टूबर तक चलेगी, देश भर के सभी सांसद इस यात्रा में 15 दिन प्रतिदिन 10 किलोमीटर की ये पदयात्रा होगी, और इस पदयात्रा के माध्यम से गांधी जी के विचार, उन सारे ऐसे मुद्दों को, चाहे स्वच्छता का अभियान हो, जल संरक्षण हो, प्लास्टिक मुक्त भारत की कल्पना माननीय प्रधानमंत्री ने की है वो हो, ऐसे कई मुद्दों पर एक जन जागरण करते हुए पूरी यात्रा 15 दिन की माननीय सांसद महोदय, और जिसमें सभी जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के, वो नीचे तक के हमारे, चाहे नगर पंचायत के लोग होंगे, नगर पालिका के लोग होंगे, जिला पंचायत से लेकर सभी सांसद, सभी विधायक इस पदयात्रा के माध्यम से व्यापक पैमाने पर नीचे तक जाने का प्रयास करेंगे। गांधी जी के जो सामाजिक मूल्यों के विषय थे, उन सारे विषयों को जन जागरण के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर लोगों तक पहुंचाने का कार्यक्रम तय हुआ है। इसी तरह धारा 370 जो जम्मू कश्मीर के अंदर विकास की बाधा बन चुकी थी, उसको ख़त्म करने का काम जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उनको धन्यवाद के लिए, बुद्धिजीवियों के बीच में परिचर्चा करने के लिए और जन जागरण बनाने के लिए ये भी एक कार्यक्रम तय हुआ है। इसी तरह से 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती का कार्यक्रम है। उस जयंती के कार्यक्रम को हम लोगों ने तय किया है कि अपने अपने क्षेत्रों में जो भी महापुरुष हैं, वो किसी भी विचारधारा के होंगे, उनके मूर्ति स्थान पर स्वच्छता का अभियान चला करके उनके सम्मान में उनको भी माल्यार्पण करेंगे। वहीं अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाली भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर भी गांधीवादी सिद्धांतों की बातें करती नजर आईं। महात्मा गांधी के लिए जो उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी एक विचार, महात्मा गांधी का जो विचार वो भारतीय जनता पार्टी का विचार है, तो इसलिए जो भी कार्यक्रम हम बना रहे हैं, महात्मा गांधी जी के जो आदर्श हैं, महात्मा गांधी जी ने जो देश के लिए आदर्श प्रस्तुत करे, जैसे सफाई का है, तो सफाई और स्वच्छता को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से आगे बढ़कर के काम किया, और वास्तव में आज उसका उदाहरण प्रस्तुत है। हम इस संदेश को अभी तक भी लेकर के आए हैं और भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से सभी कार्यकर्ता जन जन तक लेकर के जाने वाले हैं, जिससे भारत स्वच्छ रहेगा, और इन यात्राओं में पूरी तरह से सम्मिलित होकर के जन जागरण, जन चेतना
अपने देश के प्रति स्वावलंबन, स्वच्छता, ये सब हम जन जन तक पहुंचाने वाले हैं। कुल मिलाकर भाजपा 150वीं गांधी जयंती को लेकर पूरी तरह तैयार नजर आ रही है, ताकि जनता के बीच अपनी पैठ बना सके। वहीं इन्हीं के साथ मोदी सरकार के कार्यों को भी जनता तक पहुंचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।